नमस्कार दोस्तों, कुंडली टीवी पर आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि जब कोई इंसान अच्छे काम से बाहर जाता है तो उसकी यही चाहता है कि उसका हर काम सफल हो, किसी काम में कोई रुकावट ना आए। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिसको अगर आप घर से बाहर निकलते समय देखते हैं तो समझ जाइए कि आपके जीवन में दुखों का नाश होने वाला है और जीवन में सफलता मिलने वाली है। तो चलिए जानते हैं उन चीजों के बारे में, शुरू करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपको सुबह सुबह घर से बाहर निकलते समय नारियल के दर्शन हो जाएं तो इसे शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा होने पर समझ जाइए कि माँ लक्ष्मी आप पर मेहरबान होने वाली हैं। इसके अलावा शास्त्रों के मुताबिक अगर आपको सुबह घर से निकलने के बाद रास्ते में कहीं घोड़े की नाल पड़ी दिख जाए तो इसे ईश्वर का शुभ संकेत माना गया है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाला है। एक और बात बता दें कि रास्ते पर ऐसी नाल दिखने पर उसे अपने घर ला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें शनिवार को ऐसी नाल घर पर न लाएं। तो वहीं अगर किसी काम से बाहर जाते समय आपको किसी व्यक्ति के हाथ में पानी से भरा लोटा या फिर पानी से भरा हुआ घड़ा दिख जाए तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि जिस काम के लिए आप घर से बाहर निकलते हैं वो काम आपका पूर्ण होगा, साथ ही सफलता भी मिलेगी। इसके अलावा रास्ते में घास चरती गायों का दिखना भी सकारात्मक संकेत माना जाता है। बताते चलें कि जब आप किसी विशेष काम या यात्रा पर निकलते हों और उसको उस दौरान रास्ते में गाय बच्चे को दूध पिलाती नजर आ जाए तो ये बेहद ही शुभ फलदायक संकेत माना जाता है और समझ जाइए कि आपकी यात्रा मंगलमय होगी। वहीं अगर आपको गाय का गोबर भी दिख जाए तो शुभ माना गया है, लेकिन अगर गोबर में पैर पड़ जाए तो समझ जाएं कि आप किसी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। अगर यात्रा के दौरान या घर से निकलने के बाद आपको किसी की शव यात्रा नजर आ जाए तो इसे कोई बुरा संयोग न समझें, बल्कि ये तो शुभ संकेत होते हैं। ज्योतिष शास्त्र की माने तो इसका अर्थ होता है कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं और आपके बिगड़े काम बनने वाले हैं। जब आपको शव यात्रा दिखे तो उसे प्रणाम करके आगे निकल जाएं। कई बार व्यक्ति का ध्यान आसपास की चीजों और आवाजों पर नहीं जाता, लेकिन बता दें कि घर से निकलते समय ही अगर आपको मंदिर की घंटियां या शंख की आवाज सुन जाए तो इसका मतलब है कि आप जिस काम से बाहर जा रहे हैं उस काम में आपको सफलता मिलना तय है। वहीं अगर आपको सुबह सीधे हाथ की ओर बंदर दिख जाए तो समझ लीजिए आपकी दरिद्रता अब दूर होने वाली है। आखिर में बता दें कि जब किसी काम से बाहर जा रहे हों तो अगर रास्ते में पक्षी आपस में आहार बांट रहे हों तो उस पर आपकी नजर पड़ जाए तो आपका काम पूर्ण होने की ओर है। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।